Very good morning, one and all. In the last lecture, we have already started about the looping statement. In that, we have already gone through different types of looping statement, like for loop statement, while loop statement, and do while loop statement. Out of that, we have studied about the while loop, for loop statement. So basically, what it means in looping? Looping is nothing but when we want to execute a block of statement many times. At that time we will use a looping statement. जब हमें कोई block of statement, जब हमें कोई instructions बार बार use करनी होती है तो at that time उसको हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे ठीक है, we have to write down a single time. हम लोग उसको एक ही बार लिखेंगे, we have to write down one time only. और जो आप एक बार सारे instructions को लिखोगे जो आपको multiple times चलानी है उसको आप एक loop के अंदर डाल दो और ये loop आपका ऐसा ऐसा चलते रहेगा. loop कब तक चलते रहेगा? That is on your hand कि आपको वो instructions कितने बार execute करनी है. It means that आपको उस तरीके से loop form करना पड़ेगा. So it will overcome with the some problems. The problems are like your code will not get lengthy. आपका code lengthy नहीं होगा, ठीक है? You will not take a more execution time as well as you will not take a more you will not require the more memory space. These three things are affected while you are using a looping statement. If you are not using a looping statement, agar maine aapko bol diya, you have to write down the hello statement. Suppose if I want to write down good morning, 100 times likhne ke liye maine aapko program likhne ke liye maine aapko bola hai. So what you will do, you have to write down the printf statement 100 times. Aap usko 100 times likhoge. But if you are writing that particular statement 100 times, आप उसको copy paste करके बार 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 लिखोगे, so your code will get lengthy. आपका code क्या हो जाएगा? Lengthy हो जाएगा. आपका code lengthy हो जाएगा, ठीक है? As well as आपका execution time बढ़ेगा, as well as आपका storage is also get increased. So to remove this drawback, the concept of looping statement will be executed. So looping क्या बोलता है? जो भी आपको statement multiple times लिखना है. जो आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बार बार लिखना है उसको आप बार बार ना लिखते हुए एक ही बार लिखेंगे और उसको आप लूप के अंदर डाल देंगे. वो लूप आपका उतने टाइम चलते रहेगा जितने टाइम्स आपको लूप को चलाना है, ठीक है? एंड देन आफ्टर आपका लूप जैसे ही फॉल्स हो गया, दैट मीन्स जो आपने कंडीशन लगाई हुई है, इफ द कंडीशन विल बी फॉल्स, जैसे ही फॉल्स हो गया तो वो क्या करता है, वो लूप के बाहर आता है, ठीक है? और जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप क्या होता है, चलते रहता है. सो हम लोगों ने लूप देखे थे, हमारे पास एक फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, ठीक है? देयर इज नॉट एनी रिस्ट्रिक्शन, यू हैव टू यूज अ फॉर लूप, यू हैव टू यूज अ व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप. इट इज टोटली डिपेंड ऑन द यूजर कि आपको कौन सा लूप यूज करना है, आप कौन से लूप के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो. सेम प्रोग्राम आप फॉर लूप से कर सकते हो, सेम प्रोग्राम आप व्हाइल लूप से कर सकते हो, सेम प्रोग्राम यू कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट विद द डू व्हाइल स्टेटमेंट, ठीक है? So there is no any type of restrictions. कोई आपको प्रोग्राम में ऐसा नहीं कोई आपको प्रोग्राम में ऐसा नहीं बोला जाएगा यू हैव टू यूज ओनली फॉर लूप, यू हैव टू यूज ओनली व्हाइल लूप, यू हैव टू यूज ओनली डू व्हाइल लूप, ऐसा कभी आपको बोला नहीं जाएगा. जस्ट यू विल गेट अ स्टेटमेंट एंड यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके, नाउ फॉर दिस सी आई दैट फॉर लूप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बट अगेन आई विल रिपीट परफेक्ट. सो फॉर लूप इट इज वन ऑफ द लूप, ठीक है? फॉर लूप एक लूपिंग स्टेटमेंट कहलाता है जिसके अंदर फॉर लिखने का तरीका कैसे है. एफ ओ आर इज अ कीवर्ड, एफ ओ आर एक कीवर्ड है, फिर एक कीवर्ड इज फॉलोड बाय द ब्रैकेट्स. ये बाजू में क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं. ये ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखते हो, ये ब्रैकेट के अंदर आपकी तीन चीजें होती है. अब ये तीन चीजें कौन सी होती है? पहला होता है इनिशियलाइजेशन. पहला क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है? बेसिकली इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? अगर मुझे कोई भी लूप स्टार्ट करना है, मुझे साइकिल अगर चलानी है तो मुझे पैडल तो मारनी पड़ेगी, ठीक है? तो जो मैं फर्स्ट पैडल मारूंगा तो दैट मीन्स द इनिशियलाइजेशन, ठीक है? दैट मीन्स आपको लूप कहाँ से स्टार्ट करना है. दैट मीन्स अगर मैंने आपको बोला कि एक स्टेटमेंट को 100 बार प्रिंट करना है तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपको आपका लूप जीरो से स्टार्ट करना है, E1 से स्टार्ट करना है, E10 से स्टार्ट करना है, E100 से स्टार्ट करना है. इट इज डिपेंड ऑन यू, ठीक है? ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आपको लूप एग्जैक्टली आपको कहाँ से स्टार्ट करना है. और अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन
आपको क्या होता है अकॉर्डिंग टू इनिशियलाइजेशन आप कंडीशन प्रूव करते हो। अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया तो मैं उसको 100 तक लेके जाऊंगा, मैंने उसको 0 से स्टार्ट किया तो मैं 99 तक लेके जाऊंगा, मुझे 100 टाइम्स फीड करना है। अगर मैंने 10 से स्टार्ट किया है, 10 से स्टार्ट किया है तो 10 प्लस 100, अरे 110 तक चलेगा। अगर मैंने 100 से स्टार्ट किया है तो 200 तक चलेगा। अगर मैंने 100 से स्टार्ट किया है तो अगर मैं अपडेशन के लिए डिक्रिप्शन सॉरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ तो मैं 100, 99, 98, 97 ऐसा करते करते 0 तक आ सकता हूँ। सो इट इज डिपेंड ऑन यू कि आपको इनिशियलाइजेशन किस वैल्यू के साथ करता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज द स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ द काउंटर पार्ट, ठीक है, यानी आपको आपका लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, दैट मीन्स द इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज अ कंडीशन, पहला होता है इनिशियलाइजेशन, आपको बताना है कि आपको आपका लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, दैट मीन्स इनिशियलाइजेशन। सेकेंड होता है आपका कंडीशन, यानी आपको आपका लूप कहाँ तक चलाना है। अभी मैंने बोला कि 100 तक चलाना है, दैट मीन्स आप कंडीशन क्या लिखोगे कि आपका जो इनिशियलाइजेशन जो काउंटर है वो जब तक 100 नहीं होता तब तक चलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया आई इज इक्वल टू सपोज आई इज इक्वल टू 1 लिखा, मैंने इस तरीके से आई इज इक्वल टू 1 लिखा, ठीक है, सेमी कॉलन ले लिया। उसके बाद मैंने लिखा आई लेस देन 100, लेस देन इक्वल टू 100, ऐसा कुछ करके लिख दिया। कहां तक चलेगा, जब तक I का वैल्यू 100 से छोटा और इक्विवेलेंट नहीं होता तब तक चलेगा। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है कहां तक चलेगा, I इज इक्वल टू 1 पहले आपने इनिशियलाइज किया, कहां तक चलने वाला है, जब तक आई का वैल्यू 100 से छोटा और इक्विवेलेंट नहीं होता तब तक चलेगा, ठीक है। एंड एवरी टाइम एक बार लूप चल गया तो फिर आपका ये जो अपडेशन है, यहाँ पे आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा आई प्लस प्लस, यहाँ पे लिख दिया मैंने आई प्लस प्लस, आई यहाँ पे लिख दिया मैंने आई प्लस प्लस, ठीक है, और मैंने लूप कंप्लीट कर दिया। तो व्हाट आई डिड, ठीक है, मैंने क्या किया, I is equal to 1, I को मैंने 1 के साथ initialize किया। मैं चेक करूंगा फिर 1 is less than 100 है क्या, 1 is less than 100 है क्या, yes 100 से छोटा है, छोटा है तो क्या करूंगा, कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं क्या करूंगा, अंदर जाऊंगा, अंदर जाने के बाद ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है इसको क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। एक बार एग्जीक्यूट हो गया फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिर से मैं कहाँ पे जाऊंगा, जहाँ पे आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी पहले इनिशियलाइज होता है फिर कंडीशन चेक होती है, हुई तो ये नीचे उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से ये कहाँ पे जाता है, फिर अपडेशन के पास जाता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आई प्लस प्लस लिखा है, पहले आपका आई का वैल्यू 1 था, अभी आई प्लस प्लस, पहले 1 था तो 1 प्लस 1 अभी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अभी 2 हुआ। फिर से कंडीशन चेक करो बार बार, अभी इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है, आपका कंडीशन और अपडेशन बार बार होते रहेगा, ठीक है। नाउ आपका आई अभी 2 हुआ, अभी फिर से कंडीशन चेक करो, is less than equal to 100, yes condition is true, फिर से अंदर गया, अंदर जाने के बाद body को execute किया, फिर से ऊपर आया I plus plus, पहले I 2 था, अभी I 3 हो गया, ठीक है, again फिर condition check करो, 3 is less than 100, condition is true, फिर से अंदर गया, आपकी body को execute किया, फिर से बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद फिर से I plus plus किया, अभी I 4 हो गया, ऐसे करते 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 मान के चलते कि आपका I अभी 100 हो गया, आपका I कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है, सपोज आपका I हुआ 100, ठीक है। Now again check condition, I कितना हो गया आपका 100, 100 is less than equal to 100, 100 100 से छोटा तो नहीं है but 100 equivalent to 100 है, that means one more condition is true, condition 2 ही फिर से अंदर गया, फिर से अंदर जाने के बाद block of statement को execute किया, block of statement के statement को execute करने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर कहाँ पे, updation के पास गया, अब ये आपका I कितना हो गया 101, यानी 101 हो गया आपका I, ठीक है, 101 आपका आई हो गया, तो अगेन वी हैव टू चेक द कंडीशन, आई इज लेस देन इक्वल टू 100, नो आई का वैल्यू 101 हुआ है, और आपका कंडीशन कहां तक चलाना था, सिर्फ 100 तक, है ना, 101 आपका आई से आई जो 101 आई का वैल्यू हुआ है व्हिच इज ग्रेटर देन योर कंडीशन, दैट इज 100 से बड़ा है, दैट इज कंडीशन इज फॉल्स। अभी आपका ये कंडीशन क्या हुआ है, फॉल्स हुआ है, फॉल्स हुआ तो ये अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली यहाँ पे बाहर आ जाएगा और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आपने लिखे होंगे वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, दैट मींस अ फॉर लूप। तो फॉर लूप के साथ पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दैट मींस कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा होता है कंडीशन, दैट मींस कहाँ तक चलना है, और अपडेशन मतलब एवरी टाइम आपका लूप कितने से बढ़ना चाहिए,
ठीक है, एक से बढ़ना चाहिए, दो से बढ़ना चाहिए, तीन से बढ़ना चाहिए, दैट मींस द अपडेशन। सो लाइकवाइज वी आर यूजिंग द फॉर लूप। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट वी कैन सी द फ्लो चार्ट ऑफ द फॉर लूप। ठीक है, तो पहले आप लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं यानी काउंटर सेट करते हैं, ठीक है, कि हम लोग को लूप कहाँ से चलाना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन सेट करते हैं, कंडीशन सेट करते हैं, कंडीशन देते हैं कि हम लोग को लूप कहाँ तक चलाना है। इनिशियलाइजेशन मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, कंडीशन मतलब कहाँ तक चलाना है। ठीक है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन चेक करके कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या करेगा ये नीचे वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, अपडेशन, अपडेशन मतलब इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर से ट्रू हो गए, फिर से नीचे आएगा। तो ऐसे ऐसे ये आपका इधर का जो पार्ट है ऐसे ब्लॉक चलते रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स होता है, ये फॉर लूप में जो कंडीशन लिखा है, जैसे ही फॉल्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लूप एंड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है आपके, ठीक है, कंटिन्यूस जो भी इसके नीचे आपने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो सिक्वेंशियल मैनर में फिर से जो भी बॉडी के बॉडी में आपका जो स्टेटमेंट होगा फॉर के बाद, वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो लाइकवाइज वी आर यूजिंग द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। नाउ यू कैन सी द व्हाइल लूप। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूज अ फॉर लूप, हम लोग मैक्सिमम टाइम फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ नाउ वेल सी द व्हाइल लूप। ठीक है, while loop, it is also one of the looping statement, it is also called as an iterative statement, इसको हम लोग iterative statement भी बोलते हैं, repetitive statement भी बोलते हैं, सारे looping statement, it is also called as an iterative statement and repetitive statement. So while loop, जैसे for loop होता है वैसे ही while loop होता है। ठीक है, but in case of the for loop हम लोग ज़्यादा use क्यों करते हैं, why for loop is widely used, okay? Because in for loop, all the three conditions are occupied in the one particular statement. And initialization भी यहाँ पे हो जाता है, condition checking भी यहाँ पे हो जाता है, और updation भी यहाँ पे हो जाता है। एक ही साथ हमारी तीनों चीजें हो जाती है। That's why we are most of the time we are preferring the for loop. ज़्यादा से ज़्यादा time हम लोग for loop को prefer करते हैं। ठीक है? Now we will see the while loop. So while loop it is also one of the looping statement. While loop एक looping statement होता है। ठीक है, so how we will use a while loop? While loop का syntax क्या बोलता है? ठीक है, while को लिखा कैसे जाता है? ठीक है, while, while is the keyword. While क्या होता है? एक keyword होता है, जैसे for आपका keyword होता है, वैसे while आपका keyword होता है. Followed by the bracket, followed by the condition. Bracket के अंदर हम लोग क्या specify करते हैं? Condition specify करते हैं. ठीक है, while इन ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या देते हैं, कंडीशंस देते हैं, व्हाइल ऑलवेज फॉलोड बाय द कंडीशन। फिर कंडीशन लिखने के बाद इसके नीचे ओपनिंग ब्रेस है, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं। जो भी आपको बॉडी, जो भी आपको स्टेटमेंट बार बार यूज करना है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन सेट है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन से जो आपको बार बार यूज करना है, जो भी टास्क आपको बार बार यूज करना है, वो टास्क को आप वाइल के बाद लिखते हैं, दैट मींस ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर लिखते हैं। और बाद में यहाँ देखो अपडेशन लिखा हुआ है, यानी लूप कंप्लीट होने से पहले देखो ये ओपन, आपने एक कर्ली ब्रेस को ओपन किया, आपने दैट लास्ट में कर्ली ब्रेस को यहाँ पे आपने क्लोज मार दिया, ये क्लोज करने के पहले यहाँ पे आपने क्या लिखा, अपडेशन लिखा है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास फॉर लूप, अगर देखें तो फॉर लूप में देखिएगा, या इनिशियलाइजेशन यहाँ पे था, कंडीशन यहाँ पे थी बाजू में, उसके बाजू में अपडेशन था। बट नाउ व्हाट हैपेंड विद द व्हाइल लूप, व्हाइल लूप में क्या होता है, और पूछा जा सकता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड योर फॉर लूप। ठीक है, सो फॉर लूप में क्या होता है कि तीनों चीजें एक साथ आ जाती है, इनिशियलाइजेशन भी आ जाता है, आपका कंडीशन चेकिंग भी आ जाता है, आपका अपडेशन भी आ जाता है। बट इन व्हाइल लूप क्या होता है कि व्हाइल लूप में, व्हाइल लूप लिखने से पहले, ये जो आपका व्हाइल लूप यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, व्हाइल लूप लिखने से पहले आपको यहाँ पे ऊपर में, व्हाइल लूप के ऊपर में आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर, मैंने लिखा यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल्स टू वन, मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर आई इक्वल्स टू वन, सेमी कॉलन से मैंने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इन द व्हाइल लूप, इन व्हाइल लूप हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन इज आउट ऑफ द लूप। ठीक है, देखो व्हाइल के ऊपर हमने इनिशियलाइजेशन किया इंटीजर आई इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, व्हाइल में क्या होती है, कंडीशंस होती है,
ठीक है, ऊपर आप क्या लिखते हो, पहले इनिशियलाइजेशन करते हो, जरूरी नहीं है मैंने आई लिखा है तो आप आई लिखो, आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। आफ्टर दैट वाई के साथ आप क्या देते हो, वाई के साथ आप कंडीशन देते हो, ठीक है, व्हाट वी हैव टू स्पेसिफाई इन द कंडीशन, लूप कहाँ तक चलाना है, ठीक है। दैट मीन्स इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वाई के ऊपर आपने लिखा है तो आपने ये बताया है कि आई आपका वन से इनिशियलाइज हुआ है, आई में वन स्टोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या बोला, वाई कंडीशन, ठीक है, सपोज मान के चलते हैं कि मुझे कोई एक स्टेटमेंट जो है हाई नाम का, मुझे वो 5 बार प्रिंट करना है, 5 बार प्रिंट करना है तो मैंने आई को वन के साथ इनिशियलाइज कर दिया, तो मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा, वाइल, वाइल के अंदर ये कंडीशन जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा आई लेस देन इक्वल टू 5, मैं क्या लिखूंगा, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई लेस देन इक्वल टू 5, मैंने लिखा आई लेस देन इक्वल टू 5 और ये कंडीशन मैंने कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। सो हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड नाउ, ठीक है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई का वैल्यू कितना है 1, नीचे आके चेक करो वाई कंडीशन, कंडीशन में क्या लिखा है, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, यस 1 5 से छोटा है, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू तो क्या करेगा, तो अंदर जाएगा, वाई के अंदर आया, वाई के अंदर आया, अंदर आने के बाद यहाँ पे जो आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखे हैं, यहाँ पे जो भी लिखा होगा, फॉर एग्जांपल आपने लिखा प्रिंट हाई, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होंगे वो आपके एग्जीक्यूट हो गए, सपोज मैंने हाई प्रिंट किया है तो एक बार हाई प्रिंट कर लेगा, ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट कर लिया उसने हाई, ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर नीचे आएगा, नीचे क्या है, देखो अपडेशन लिखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, मैंने क्या लिखा आई प्लस प्लस, ठीक है, दैट मीन्स अपडेशन, मैंने क्या किया अभी, मैंने आई को एक से बढ़ाया, पहले आई कितना था, पहले आई वन था, अभी वन प्लस वन कितना हो गया, आई टू हो गया, ठीक है, अपडेशन हो गया, अपडेशन होने के बाद ये यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा वाई के पास, वाइल के पास आने के बाद फिर से क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या हुई अभी, आई लेस देन इक्वल टू 5, अभी आई का वैल्यू कितना है 2, तो 2 5 से छोटा है क्या, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन 2 ही फिर से अंदर गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद आपका हाई प्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ऐसे ऐसे हाई प्रिंट हो जाएगा, आफ्टर दैट अपडेशन आई प्लस प्लस, पहले आई 2 था, अभी आई कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, अभी आई 3 हो गया, नाउ फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर से ऊपर गया, फिर से कंडीशन चेक करो, वाई कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई का वैल्यू कितना हुआ 3, 3 5 से छोटा है क्या, कंडीशन इज ट्रू, 2 ही फिर से अंदर गया, फिर से अंदर जाने के बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से अपडेशन किया, नाउ आई इज इक्वल टू 4, ऐसे करते करते आई हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है, मान के चलते कि आई का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है, तो चेक करो फिर से ऊपर जाने के बाद कंडीशन वाई के साथ, 5 लेस देन इक्वल टू 5, 5 5 से छोटा है क्या, छोटा तो नहीं है लेकिन 5 5 के इक्विवेलेंट है, दैट मींस आपका एक बार फिर से 2 होगा तो आपका यहाँ पे फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, हाई प्रिंट हो जाएगा, हाई प्रिंट हो जाएगा, देन अगेन अपडेशन होगा, आई इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना हुआ 6, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से चेक करेगा कंडीशन, आई इज इक्वल टू 5, आई का वैल्यू कितना हुआ है अभी 6 हुआ है, और हमारा कंडीशन कहाँ तक लगाया हमने 5 तक, तो 6 5 से छोटा है क्या या फिर इक्विवेलेंट है क्या, नहीं, अभी ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, अभी ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो ये अंदर घुसेगा क्या, अंदर जाएगा क्या ये लूप के अंदर, नहीं, ये डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, ये 7 नंबर पे आएगा, दैट मींस स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है, सो इस तरीके से हमारा व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है, दैट मींस व्हाइल लूप में क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन एक जगह पे होता है, यानी ऊपर व्हाइल के ऊपर होता है, व्हाइल के साथ कंडीशन दी जाती है और अपडेशन जो होता है वो लूप के अंदर होता है, इस तरीके से तीनों चीजें अलग अलग जगह पे होती है, इसलिए हम लोग ज्यादातर वाइल प्रीफर नहीं करते, ज्यादातर हम लोग फॉर लूप प्रीफर करते हैं, ठीक है, बट एंड इट इज टोटली डिपेंड ऑन द यूजर कि उसको वाइल लूप यूज करना है फॉर लूप यूज करना है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वाइल लूप को यूज करते हैं। नाउ द वेरी सेकंड पार्ट इज टू वाइल लूप, ठीक है, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, ठीक है, अभी आपका वाइल लूप और डू वाइल लूप जो होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो लूप्स इज कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आपका एंट्री कंट्रोल, तो दूसरा होता है आपका एग्जिट कंट्रोल, ठीक है, सो अभी हमने जो पढ़ा है वाइल लूप एंड फॉर लूप, दीज आर द एंट्री कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होती है, ठीक है, आपने फॉर लूप भी देखा, फॉर में इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेक किए, बाद में अपडेशन, ठीक है,
वाइल में भी पहले इनिशियलाइजेशन है, वाइल के साथ कंडीशन देते हो, ठीक है, यानी एंट्री कंट्रोल लूप है ये। यानी उसमें क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है, बात कंडीशन चेक होने के बाद कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ही वो लूप के अंदर जाता है, फॉर लूप हो या फिर वाइल लूप हो, तो ही वो लूप के अंदर जाएगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो पहले इसमें बाहर आ जाएगा। यानी अगर पहले इसमें कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो अंदर नहीं जाएगा। यानी आपकी कंडीशन अगर यहाँ पर लिखी हुई है और ये कंडीशन पहले इसमें आपकी फॉल्स हो गई, पहले इसमें फॉल्स हो गई, दैट मीन्स क्या करेगा, अंदर फॉर लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वैसे वाइल लूप पहले इसमें कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, ये क्या करेगा डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। ठीक है, इट विल कम अप अक्रॉस द लूप, ठीक है, वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा और बाहर में जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल बोला जाता है। दैट मीन्स जैसे ही एंट्री हुई लूप की तो लूप की एंट्री होते बराबर ही कंडीशन चेक की जाती है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू दैट मीन्स इट विल इंटर इन टू द लूप, लूप के अंदर जाएगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। पहले इसमें फॉल्स हो गई तो अंदर जाएगा नहीं, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। लेकिन आपका डू वाइल लूप जो होता है उसको एग्जिट कंट्रोल बोला जाता है। डू वाइल को क्या बोला जाता है, डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल। अभी ये एग्जिट कंट्रोल यानी होता क्या, पहले तो हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं कि डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या, कैसे लिखा जाता है। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डू, डू इज द कीवर्ड, डी ओ डू, डू इज द कीवर्ड, ठीक है, फॉलोड बाय द ओपनिंग ब्रेस। देखो पहले क्या है, यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस लिखा हुआ है डू के बाद, ठीक है। फिर ओपनिंग ब्रेस जैसे आपका चालू हुआ तो आप यहाँ पे पहले लिखते हो बॉडी, पहले क्या लिखते हो बॉडी, यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएगा, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल, पहले क्या है आपका बॉडी है, डू पहले आपका बॉडी है, बॉडी के बाद इसके नीचे यहाँ पे क्या लिखा आपने, अपडेशन, आपने क्या लिखा अपडेशन, ठीक है, आपने बॉडी को कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, देखिए बॉडी को आपका ये लूप कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने लिखा वाइल इन ब्रैकेट कंडीशन, आपने लास्ट में क्या लिखा वाइल इन ब्रैकेट कंडीशन, और सेमी कॉलन से आपने टर्मिनेट मारा, ठीक है। सी द डिफरेंस, ये वाइल लूप में देखो, वाइल लूप में आपने क्या किया था, वाइल लूप में जैसे इन वाइल लूप क्या किया था, वाइल यहाँ पे लिखा हुआ है तो वाइल के देखो, वाइल के जस्ट बाजू में क्या दिखे दी थी हमने, कंडीशन दी थी, ठीक है, देखिए वाइल के बाद जस्ट कंडीशन दी थी हमने उसके बाजू में, ठीक है, वाइल के बाद कंडीशन, देन देयर इज अ बॉडी और उसके बाद अपडेशंस थे, उसके बाद हमारे अपडेशंस थे, ठीक है। लेकिन डू वाइल में देखो, ठीक है, डू वाइल में क्या होता है कि पहले लिखते हो डू, डू के बाद ओपनिंग ब्रेस, ओपनिंग ब्रेस के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हो, यहाँ पे आप अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हो, बाद में उसके नीचे आपने लिखा अपडेशन, दैट मींस आपका काउंटर इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, जैसे हम लोग आई प्लस प्लस और आई माइनस प्लस लिखते हैं, अपडेशन लिखते हैं, उसके बाद आपने ब्रेस कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे लिखा वाई, वाई के बाद लास्ट में आपका कंडीशन लिखा और सेमीकोलन से टर्मिनेट किया, तो इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल बोला जाता है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि पहले सारी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक चलते चलते आपका पूरा आएगा, पूरा आने के बाद यहाँ पे फिर वाइल के साथ कंडीशन चेक होगी, दैट मींस पहले पूरा मटेरियल एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ से वो ऊपर जाएगा फिर से, ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से ट्रू होगी, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, ऐसा ये चलते रहेगा, दैट मींस ये आपका ऐसा लूप जो है ये घूमते रहेगा, कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक, ठीक है। अभी देखिए फिर डिफरेंसेस क्या हुए दोनों में, वाइल लूप में और डू वाइल में डिफरेंस क्या दिखेगा आपको, ठीक है, नाउ सी, ठीक है, आप वाइल और डू वाइल में अगर डिफरेंस देखते हो तो डू में क्या हो रहा है, यहाँ से डू लूप जब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, मान के चलते कि मैंने डू वाइल लूप से एक डू वाइल लूप मुझे यूज करना है, डू वाइल लूप यूज करके मुझे एक हेलो जो स्टेटमेंट है वो 5 बार प्रिंट करना है, एक हेलो स्टेटमेंट मुझे 5 बार प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डू लिखूंगा, डू इन ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट अप, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है, ये प्रॉपरली आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिख दिया ऐसे, ठीक है, सेमीकॉलन से प्रिंट कर दिया, ठीक है, ऐसा मैंने प्रिंट ऑफ लिखा, हाँ, ठीक है, मैंने अपडेशन लिखा, यहाँ ऊपर में
मैंने i को इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि मुझे एक काउंटर वेरिएबल भी लगेगा, तो मैंने i इज इक्वल टू 1 करके रखा है. इनिशियली मैंने i को 1 करके रखा, ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू, i इज इक्वल टू 1 लिखा, मैंने डू लिखा, डू के बाद मैंने लिखा प्रिंट ऑफ i, ठीक है. अपडेशन में मैंने लिखा i प्लस प्लस, अपडेशन की जगह मैंने लिखा मैंने i प्लस प्लस, ठीक है. बाद में अपडेशन में लिखा है प्लस प्लस, बाद में वाई कंडीशन में लिख दिया, ये जो कंडीशन है यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया i लेस देन इक्वल टू 5, i लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है. ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज मार दिया यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पे सेमी कॉलन देते, सो हाउ इट विल एग्जीक्यूट, ठीक है. देखो पहले बार i का वैल्यू कितना है, 1 है, i का वैल्यू 1 है, मैं यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ 1, i का वैल्यू कितना हुआ 1. देन डू, डू डू के साथ कोई कंडीशन रहती है कि नहीं, डू, तो डू बोला तो डायरेक्टली हम लोग अंदर जाएंगे, डू बोला डायरेक्टली अंदर गए. अंदर जाने के बाद क्या लिखा है, प्रिंट ऑफ हाई, आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, हाई प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हाई प्रिंट हो गया, ठीक है. उसके बाद नीचे क्या लिखा है, अपडेशन की जगह i प्लस प्लस, मैंने कौन सा स्टेटमेंट लिखा, i प्लस प्लस, पहले i कितना था, 1 था, अभी i कितना हो गया, अभी i का वैल्यू हो गया 2, अभी i का 2 वैल्यू हो गया, ठीक है. फिर ये क्या करेगा, यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद while, while के साथ क्या है, कंडीशन है, कंडीशन क्या है, i लेस देन इक्वल टू 5, i का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 5 से छोटा है क्या, यस कंडीशन इज 2, 2 5 से छोटा है, कंडीशन 2 हुआ तो ये क्या करेगा, यहाँ से उठेगा डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, फिर से ये लूप के अंदर जाएगा, फिर से क्या करेगा, डू करेगा, डू में फिर से अंदर में जाने के बाद क्या करेगा, प्रिंट ऑफ हाई, फिर से सेकंड टाइम हाई प्रिंट हो जाएगा, फिर से नीचे क्या, अपडेशन, अपडेशन की जगह i प्लस प्लस, पहले 2 था अभी 3 हो गया, ठीक है. फिर से क्या वो प्रिंट करेगा, हाई प्रिंट करेगा, ठीक है. फिर से नीचे जाएगा y के साथ कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन 5 है, कंडीशन इज 2, 2 हुआ, फिर से ऊपर गए यहाँ पे आए, ठीक है. फिर से एक बार हाई प्रिंट करेगा, ठीक है. i का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, ऐसे करते करते i मेरा 5 हो गया, ठीक है. i का वैल्यू कितना है, 5 हो गया, ठीक है. नाउ चेक, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 5 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 5 5 इक्विवेलेंट है, दैट मींस एक बार फिर से 2 हो गया, फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हाई प्रिंट कर दिया, ठीक है. हाई प्रिंट करने के बाद फिर से नीचे आया, i प्लस प्लस, i का वैल्यू 6 हो गया, ठीक है. सो नाउ चेक, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, 6 5 से छोटा है क्या, नहीं है, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होंगी तो ऊपर जाएगा क्या, नहीं, वो डायरेक्टली क्या करेगा, ये लिख के बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपने लिखे है वहां पे आ जाएगा, ठीक है. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल, आपको खुद को पता चल गया होगा कि व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस क्या है. वाइल में क्या बोलता है कि जब कंडीशन 2 होगा, ये जो वाइल के साथ जो कंडीशन दी हुई है, जब कंडीशन 2 होगा तो ही ये अंदर जाएगा, तो ही ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. अगर आपकी पहले ही बार में कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर जाएगा ही, ठीक है. अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा. लेकिन डू वाइल में क्या होता है, इन डू वाइल, ठीक है, अगर मैं डू वाइल की बात करता हूं तो इन डू वाइल क्या होगा कि डू वाइल में डू यानी एक बार तो ये आपका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, क्योंकि कंडीशन आखिरी में, ठीक है. पहले हम लोग कंडीशन चेक करेंगे नहीं, पहले हम लोग डू, डू बोले तो अंदर चलेगा, अंदर जाने के बाद आप ये बॉडी एग्जीक्यूट कर लो, बॉडी आपने एक बार एग्जीक्यूट कर लिया, यानी वन टाइम तो आपका बॉडी एग्जीक्यूट होना ही होना है डू वाइल में, ठीक है. एक बार बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वो क्या करेगा, अपडेशन करेगा, अपडेशन करने के बाद वो नीचे आएगा और कंडीशन चेक करेगा, यानी कंडीशन ट्रू है फॉल्स है. If the condition is true, अगर आपकी ये condition true है, तो ये क्या करेगा? फिर से ऊपर जाएगा और फिर से ये body को execute करेगा, ठीक है? अगर condition true हुई तो, लेकिन condition false हुई, तो ये ऊपर जाएगा क्या? नहीं, ये directly क्या करेगा? ये ऊपर ना जाते हुए ये directly बाहर आ जाएगा, यहाँ पे जो भी statement है execute करेगा. यानी while loop में क्या होता है कि until and unless जब तक आपका condition true नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी body statement execute नहीं होता है. लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि डू वाइल में आपकी बॉडी एक बार एग्जीक्यूट होनी ही होनी है, वेदर योर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली डू लिख रहे हैं, पहले कंडीशन चेक नहीं करते हुए हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है. उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू हुई तो ऊपर जाके फिर से बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम लोग बाहर निकल जाएंगे. दैट मींस द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वाइल लूप एंड व्हाइल लूप इज, इन वाइल लूप वी विल एग्जीक्यूट द बॉडी ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, बट इन डू वाइल they will execute the body at least one even if the condition is false. यानी आपकी condition false भी है तो आपका do while का loop एक बार तो चलेगा ही चलेगा, execute होगा ही होगा.
So that is the major difference between do while and a for loop. Okay. So everybody got it. So I hope everything is clear to everybody. So thank you one and all.